अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। एवेंजर जिम का इफ्तिता अमल में आया है, जिसमें चीफ गेस्ट बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मौजम खान ने इफ्तिता किया है। आइए देखते हैं सैयद अहमद की ये रिपोर्ट। मेरा नाम शफीउद्दीन अशरफ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 95-96 से एज ए कोच जिम चला रहा हूँ और 12 साल से मैं ओनर हूँ जिम का, मास एंड मसल्स। अभी एक नया मेरा सेटअप हुआ, एवेंजर जिम एंड फिटनेस सेंटर, नवाब साहब कुंडा जहानुमा। और अभी पूरा काफ़ी लेटेस्ट यहाँ पे मैं इक्विपमेंट डाला फुल्ली कार्डियो के साथ, जहाँ पे 3 ट्रेडमिल है, क्रॉस ट्रेनर्स है, स्पिन बाइक है, अपराइट बाइक है, और सिंगल सेशंस है यहाँ पे बहुत काफ़ी सारे। ये बहुत ज़्यादा जिमों में इतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं डालते, यहाँ पे हम फ्री वेट भी ज़्यादा रखे सीनियर बॉडी बिल्डर्स के लिए, और जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग करते कॉम्पिटिटर्स बॉडी बिल्डर्स जो रहते उनको भी मद्देनज़र रखते हुए उनके हिसाब का इक्विपमेंट रखे। हेवी से हेवी इक्विपमेंट है, डंबल है 50 kg तक, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमसे कोशिश हुई हम पूरी करने की कोशिश करें। कोई पार्टिसिपेट हुए इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग के लिए? नेशनल बॉडी बिल्डिंग के लिए पार्टिसिपेट हुए मेरे जिम से इसरार अहमद है, मिनाज याफई है, और अकबर है, और अभी एक जो है उनका भी नाम अहमद है जो यहीं पे रहते, और ये सीनियर बॉडी बिल्डर्स है एज ए कोच। ये लोग भी मेरी जिम में देखते हैं, ये मेरे भाया दोस्ता हैं, हैदर भाई है, दिलरोज भाई है, दुर्रानी भाई है, ये भी मेरे साथ बच्चों को हेल्प करते हैं यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग अच्छी से अच्छी करवाने में। अभी यहाँ पे जो कार्डियो रखे हो उसमें है ट्रेडमिल, ट्रेडमिल जो वॉकिंग करो आप या रनिंग करो वो वेट लॉस के लिए है, अपनी बॉडी से कैलरीज पूरे बर्न करने के लिए है। आप जब तक अपनी बॉडी से कैलरीज बर्न नहीं करते आपका वेट लॉस नहीं हो सकता, टमी के लिए। और डाइटिंग भूखे मरने का नाम नहीं है, डाइटिंग प्रॉपर और अच्छी हेल्दी डाइट लेने का नाम डाइटिंग है। लोग आजकल डाइटिंग बोले तो भूखे रह रहे एक ही टाइम खा रहे हैं, वैसा गलत है, वैसा नहीं करना। 3 टाइम खाइए, प्रॉपर डाइट खाइए, बॉयली वेजिटेबल्स लेना है, ऑयली फूड, सॉल्ट और शुगर को अवॉइड करना है। और अभी हम जो कार्डियो रखे उससे वेट लॉस करने में एक्सरसाइज 30% है, डाइट 70% है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही वेट लॉस होता। दोनों का अगर कॉम्बिनेशन में अप एंड डाउन हुआ तो फिर वेट लॉस होने में मुश्किल होती, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन में आप डाइटिंग भी अच्छी करना और कार्डियो भी वेरी हेल्पफुल है। कार्डियो तो हम पूरा सब रखे हैं सब जिम में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम हैदर खान है, मैं यही तारबंद पे रहता हूँ खाजापाड़ी के पास। सुबह के जिम में काफ़ी सालों से एक्सरसाइज कर रहे हैं हम जो है सो बॉडी बिल्डर को जो है सो अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना है, दवाता वगैरह सब अवॉइड करना है, अच्छी गिज़ा लेना है, एक्सरसाइज प्रॉपर करना है। हाफ एन आवर क्यों नहीं होता, आप डेली वर्कआउट करना ज़रूरी है। और जिस्म पे जो चीज़ पे अपने को वर्कआउट ज़्यादा करना है, जो चीज़ कमज़ोर है वो चीज़ पे वर्कआउट ज़्यादा करना है, और जिम रेगुलर आना, मसाज वगैरह भी कराना है, महीने में 2 महीने में जो भी हिसाब से अपना जो मसल टाइट जब हो जाएंगे तो आपको मसाज भी कराना ज़रूरी है, इस पर भी ध्यान रखना है। और जो है सो सही कोच की निगरानी में आपको एक्सरसाइज करना है तो आपको फ़ायदा होगा, अगर नहीं आप जा रहे हैं कुछ भी कर लेके आ रहे हैं एक्सरसाइज तो आपको फ़ायदा नहीं होता, प्रॉपर करना है और सही जो है सो कोच से ट्रेनिंग लेके करना है। जैसा हमारे मशहूर अशु भाई है, उनकी जेर निगरानी में अगर आप करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह तो हम लोगों की फ़िटनेस आप देख सकते हैं, यहीं करे हुए ऐसा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे को तो फ़ायदा हुआ। आपको भी ये डाइट पे ज़्यादा करना है, अब फिल वक्त अच्छी डाइट लेना है, दूध अंडे वगैरह लेकर एक्सरसाइज सुबह शाम करिए, नहीं तो एक टाइम करिए, आपको टाइम नहीं तो आपको फ़ायदा पहुँचेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जी मेरा नाम दिलरोज खान है, मैं ताड़बन आशुर खाने का रहने वाला हूँ। मेरा एक्सरसाइज में एक्सपीरियंस ये है, 94 से मैं एक्सरसाइज करता हूँ, 94 से कंटिन्यू एक्सरसाइज करता हूँ। अब रिसेंटली मैं करीब 6 से 7 ईयर से छोड़े हुआ हूँ एक्सरसाइज, फिर अब रिसेंट स्टार्ट करा भाई के ने करीब एक
6 मंथ वगैरह कुछ हुआ स्टार्ट भाई बहन अच्छे तकरीबन मेरे जितने भी भाई मतलब चढ़ाने वाले हैं जो भी है एक्सरसाइज के बारे में मेरे से एक्सपीरियंस लेते रहते हैं एक्सपीरियंस देते रहता हूँ एक्सरसाइज के बारे में जी इम्प्रूव विथ लोअर लोअर के लिए ज़्यादा तवज्जो देना है आजकल जी लोअर के लिए ज़्यादा तवज्जो देना है बच्चे क्या है सिर्फ अपर बॉडी बताने के लिए इम्प्रूव करते हैं मगर लोअर के लिए भी इम्प्रूवमेंट लाना है एस्टेरॉइड के पीछे मत भाई के लिए अवॉइड करिए एस्टेरॉइड को एस्टेरॉइड अपने लिए सबसे डेंजर चीज़ है अच्छी डाइट लीजिए अच्छी सेहत बनाइए ये चीज़ को अवॉइड करिए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चर्चा करना ना भूले चैनल हर न्यूज़ आपके।